जो बोले सो निर्भय, परमपिता परमात्मा महाप्रभु सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जय। जो बोले सो खुशहाल, भगवान वाल्मीकि अजर अमर सर काल। आप सभी को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, जय वाल्मीकि कहिए, सदा सुखी रहिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देखिए ये प्लांट कुछ ऐसे प्लांट है कि आप इन्हें बहुत आसानी से इंडोर में रख सकते हैं। ये प्लांट इंडोर में चलने वाले प्लांट है। और आपको देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ये भी बताऊँगा कि इस प्लांट में आप देखिए दो कलर देख पाएंगे। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पत्ती वाला प्लांट है। देखिए ग्रीन और थोड़ा येलो कलर आपको पत्तियों में दिखाई देगा। और देखिए इस प्लांट को आप कटिंग के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बनाएं। ड्रेसिना एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ड्रेसिना की देखिए बहुत ज़्यादा वैरायटियाँ होती है और मुझे ये ड्रेसिना के प्लांट आप सभी के सामने शेयर करने पड़ रहे हैं। और ये भी बताना होगा कि आप इस प्लांट को यदि बड़े से बड़े पॉट में लगाए तो ये बहुत ही आसानी से चलने वाले प्लांट है। आप देखिए कभी भी ड्रेसिनो को छोटे पॉट में न लगाए। ड्रेसिनो को आप देखिए बरसात के समय में तो बहुत ज़्यादा कटिंग के द्वारा बना सकते हैं। देखिए ये प्लांट कुछ छोटी हाइट वाले प्लांट है और बहुत ही छोटे छोटे आपको एक पॉलिथीनो बैग में लगे हुए दिखाई देंगे। और देखिए इतने ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है ड्रेसिनो। देखिए परमानेंट प्लांट है। यदि आप कुछ अपने घर में परमानेंट प्लांट लगाने के लिए जा रहे हैं तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि देखिए आप इस प्लांट को ज़रूर लगाएं। यदि आप इस प्लांट को लगा लेते हैं तो देखिए आप समझ लीजिए आपने बहुत कुछ अपने घर में लगा लिया है। आप इस प्लांट को सस्ती कॉस्ट में नर्सरी से बहुत आसानी से लेकर आ सकते हैं। और देखिए मैं आपको इसका प्राइस भी बताऊंगा। मैं देखिए ये दोनों ही प्लांट नर्सरी से कम देखिए नर्सरी वाला मेरे से 250 रुपये मांग रहा था, फिर भी देखिए 180 रुपये में मुझे ये प्लांट बहुत आसानी से उसने दे दिए है। यदि मुझे ये प्लांट 180 रुपये के मिल गए हैं तो देखिए मैं तो इन प्लांट को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग के द्वारा बना पाऊँगा। देखिए ड्रेसिना को आप कटिंग के द्वारा बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। ड्रेसिना से अनगिनत कटिंग ली जा सकती है, अनगिनत प्लांट बनाए जा सकते हैं। देखिए आप थोड़ा पास से देखेंगे तो देखिए मैं थोड़ा आपको पास से दिखाने जा रहा हूँ। देखिए इन पॉलीथीन बैग में लगे मुझे लग रहा है कि एक ही पॉलीथीन बैग में तीन ड्रेसिना के छोटे छोटे बेबी प्लांट है। इसमें भी देखिए तीन ही ड्रेसिना के प्लांट है। देखिए जिस समय मुझे ये प्लांट बड़े पॉट में लगाने होंगे मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके लिए मुझे 5-6 पॉट लेने होंगे। और देखिए यदि मुझे ये प्लांट 180 रुपये में बहुत आसानी से मिल गए और देखिए मेरे इन ड्रेसिना को थोड़ा पास से देखिए मुझे यही लग रहा है कि तीन हरे पॉलीथीन बैग में लगे हुए छोटे छोटे बेबी प्लांट ड्रेसिना के हैं। देखिए मैं आपको पहले भी बताता हूँ और बताता रहूँगा और बता रहा हूँ, हमें आज के समय में आज के दौर में पर्यावरण में रहने के लिए पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने में। देखिए मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि यदि देखिए मुझे ये प्लांट 180 रुपये के मिल गए और देखिए 6 प्लांट लगे हुए दोनों ही आप देख सकते पॉलीथीन बैग में 3-3 प्लांट लगे हुए और बहुत ही ज़्यादा मुझे तो सस्ते ही प्लांट मिल गए। आप भी इसे बहुत आसानी से सस्ती कॉस्ट में जरूर लेकर आए। ड्रेसिना को देखिए जितना आप कटिंग से बनाना चाहते हैं अनगिनत कटिंग के द्वारा बना सकते हैं और अनगिनत इसे अपने घर में लगा सकते हैं। यदि देखिए ये मेरे पास आप देख सकते हैं पॉलीथीन बैग में लगे हुए हर पॉलीथीन बैग में 3-3 ड्रेसिना के प्लांट है, 6 प्लांट है। तो मैं देखिए इनसे बहुत आसानी से थोड़ा समय निकाल कर थोड़ा मेरे प्लांट अभी छोटे हाइट के वाले प्लांट है और धीरे धीरे यदि ये प्लांट देखिए पॉट में लग जाएंगे, यदि मैं इन प्लांट को बड़े पॉट में लगा पाऊंगा तो देखिए मैं इनसे थोड़ा समय निकाल कर और थोड़ा देखिए धीरे धीरे इनकी नई पत्तियाँ निकल आएगी तो देखिए मैं इनसे बहुत आसानी से कटिंग भी ले पाऊंगा। देखिए यदि मैं चाहूँ तो इन्हें पॉट में लगाने के बाद 1.5 या 2 महीने बाद बहुत आसानी से कटिंग के द्वारा बना सकता हूँ। यहाँ से पंच कर देखिए मैं इससे कटिंग ले सकता हूँ। और देखिए जितनी यदि ये 6 प्लांट है देखिए मैं इनसे 12 प्लांट बहुत आसानी से बना सकता हूँ। आप भी देखिए ड्रेसिनो को कटिंग के द्वारा जरूर बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। देखिए यदि मैं अपने इन प्लांट को कटिंग के द्वारा बना भी लेता हूँ तो देखिए मैं चाहूँ तो इनकी कटिंग बहुत आसानी से किसी छोटे छोटे पॉट में भी लगा सकता हूँ। देखिए ड्रेसिना के प्लांट कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, देखिए यदि आप चाहे तो इन्हें कुछ छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। देखिए ड्रेसिना के प्लांट की पहले आप हाइट देखें और प्लांट का साइज़ देखें और देखिए इसकी स्टिक देखें, स्टिक किस तरह की है, कितनी बड़ी स्टिक है, कितनी आप इसे बड़े से बड़े पॉट में लगाना चाह रहे हैं, छोटे पॉट में लगाना चाह रहे हैं। और देखिए इनमें इतनी अनगिनत पत्तियां हैं, ये प्लांट आपको भरे हुए ही नज़र आएंगे। और देखिए छोटे से पॉलीथीन बैग में ये 6 प्लांट लगे हुए हैं। और देखिए मैंने आपको गिनती भी कर बता दिया है कि देखिए ये बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि खूबसूरत प्लांट जरूर दिखाई दे रहे हैं। पर देखिए ड्रेसिना को आप अलग अलग कलर में भी देख सकते हैं। ड्रेसिना की देखिए मैं इतनी वैरायटियां तो आपको नहीं बता सकता, इनके नाम भी नहीं बता सकता, बहुत ही ज़्यादा वैरायटी ही होती है, इनकी अनगिनत वैरायटी होती है, अनगिनत पत्तों वाले प्लांट होते हैं। देखिए जितने भी यदि मान लीजिए देखिए मैंने आपके सामने ये ड्रेसिना के प्लांट शेयर किए हैं तो देखिए इसी के बहुत ज़्यादा अलग अलग पत्तों वाले प्लांट भी अनगिनत प्लांट मिल जाएंगे। और आप देखिए नर्सरी पर जरूर जाए और नर्सरी पर इनके प्लांट जरूर लेकर आए। ड्रेसिनों को आप देखिए सस्ती से सस्ती कॉस्ट में ले सकते हैं। ड्रेसिना के प्लांट ज़्यादा कॉस्ट वाले प्लांट नहीं होते, सस्ते प्लांट होते हैं। आप भी देखिए इसे ज़रूर लेकर आए। देखिए यदि आप एक बार ड्रेसिना को लगा लेते हैं तो देखिए ये प्लांट बहुत ज़्यादा
लंबे समय तक तो चलते हैं। और देखिए कटिंग के द्वारा तो आप इनसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग, अनगिनत कटिंग ले सकते हैं। और देखिए थोड़ा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनकी पत्तियाँ इतनी देखिए खूबसूरत पत्तियाँ, देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पत्तियाँ। देखिए इनकी पत्तियाँ कुछ आपको प्लास्टिक की तरह दिखाई देगी, जैसे कि प्लास्टिक आर्टिफिशियल प्लांट हो। ट्रेसिना की पत्तियाँ देखिए ज़्यादातर तो आपको एक प्लास्टिक की तरह आर्टिफिशियल पत्तियाँ दिखाई देगी, इतना ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है। देखिए यदि आप इस प्लांट को फेस टू फेस, अभी तो देखिए आप मेरी वीडियो में इस प्लांट को देख पा रहे होंगे, जिस समय आप इस प्लांट को फेस टू फेस अपनी आंखों से देख पाएंगे और इसको छू पाएंगे और आप देख भी पाएंगे, देखिए जैसे मैं इसकी पत्तियाँ छू रहा हूँ आप भी यही अंदाजा लगाएंगे। देखिए इतना खूबसूरत प्लांट है, बहुत ही आप देख सकते हो ऊपर से, देखते हो फूल आप देख सकते हो फूल की तरह, देखिए बन चुका है फूल की तरह, देखिए इसका साइज बन चुका है। देखिए जिस समय ड्रेसिना के प्लांट बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, इनकी पत्तियाँ बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, तो देखिए फूल की तरह बनने स्टार्ट हो जाते हैं, आप देख सकते हैं फूल की तरह। आप देखिए इसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जरूर लगाएं। और देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कि ड्रेसिना को आप इंडोर में ज़्यादा रखें। ड्रेसिना देखिए ज़्यादातर तो इंडोर में चलने वाले प्लांट होते हैं, और ड्रेसिना की देखिए अनगिनत वैरायटियाँ होगी। आप देखिए यदि मेरे ये प्लांट देख पा रहे हैं तो देखिए आप इन्हीं के तरह आप भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही प्लांट देख पाएंगे, जैसे कि मेरे ये प्लांट देख पा रहे हैं। देखिए मैं तो ड्रेसिना के प्लांट लेकर आ गया और आपको ये भी बता रहा हूँ कि आप भी इन्हें ना छोड़े, इन्हें जरूर लेकर आए। और देखिए इस समय बरसात का समय चल रहा है, बरसात के समय में आप, मौसम ठंडा है, अच्छा मौसम है, प्लांट लगाने का समय है, तो प्लांट आप जरूर लगाएं। और देखिए यदि इन प्लांट को आप थोड़ा मैं और पास से दिखाने ही होंगे, मुझे बताना ही होगा कि देखिए मैं आपको दोबारा से इसलिए बताने जा रहा हूँ, देखिए कभी भी आप ड्रेसिना को लेकर आएंगे तो देखिए किसी अच्छी से अच्छी नर्सरी से ज़रूर लेकर आए। और आपको मैं ये भी बता दूंगा, देखिए यदि आप थोड़ा देखेंगे, देखिए एक दो तीन प्लांट है, देखिए इसमें तीन प्लांट लगे हुए हैं, इस पोलोथीन बैग में आप देख सकते हैं ड्रेसिना के तीन प्लांट है, हर एक एक प्लांट है देखिए। तो आप भी कभी भी देखिए इस ड्रेसिना को सिंगल ना लेकर आए, आप कभी भी नर्सरी पर इस प्लांट को लेने के लिए जाएंगे, देखिए आपके दो पैसे बच ही जाएंगे। यदि आप देखिए सोचेंगे कि हम चार पाँच ड्रेसिना के प्लांट ले लेते हैं, तो देखिए आप ऐसी गलती मत कीजिए, आप कभी भी इस प्लांट को नर्सरी से लेने के लिए जाएंगे तो आपको प्लांट ज़्यादातर तो देखिए पॉलीथीन बैग में ही लगा हुआ दिखाई देगा, छोटी छोटी हाइट में दिखाई देगा, छोटी हाइट वाले ही प्लांट लेकर आए। और आप देखिए प्लांट की गिनती भी कर यदि आप प्लांट नर्सरी से उठा लेते हैं, लेकर लेने के लिए जा रहे हैं, तो आप देखिए पहले प्लांट को देख लीजिए और पॉलीथीन बैग में कितने प्लांट लगे, कितने बड़े साइज़ के प्लांट हैं। देखिए कुछ छोटे छोटे भी प्लांट है, अभी इनकी हाइट बहुत ही छोटी है, देखिए बहुत ही हाइट छोटी इसलिए है कि देखिए बड़े बहुत ज़्यादा किसी पॉलीथीन बैग में नहीं लगे हुए, छोटे छोटे पॉलीथीन बैग में लगे हुए प्लांट है। और देखिए ड्रेसिना को आप ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ही हार्डिंग प्लांट क्यों कहते हैं और क्यों मानते हैं, देखिए ड्रेसिना बहुत ही कम से कम से कम, देखिए ज़्यादा तो देखिए मैं आपको यही कहूँगा, यदि आप इस प्लांट को कम से कम प्राइस में लेने के लिए जा रहे हो, ड्रेसिना आपको कम से कम प्राइस में ही मिल जाएंगे, कम से कम यदि इस प्लांट को आप प्राइस में लेकर आ जाते हैं तो आपके लिए देखिए फ़ायदेमंद ही प्लांट होंगे। आप तो देखिए ड्रेसिना को देखकर यही अंदाज़ा लगाएंगे कि ये प्लांट देखिए कुछ ऐसे प्लांट हैं कि देखिए एक ही पत्ती में आप देख सकते हैं दो कलर दिखाई दे रहे हैं, देखिए ग्रीन कलर और थोड़े फीके फीके येलो कलर वाली पत्तियाँ है, बहुत ही खूबसूरत पत्तियाँ। और देखिए मैं तो आपको यही बताऊँगा, ज़्यादा तो देखिए मैं इस प्लांट के बारे में आपको बता ही नहीं पाऊँगा। देखिए फूल की तरह यदि ये खिलने वाला प्लांट है और सस्ता प्लांट है, यदि आप देखिए कई बार बहुत ज़्यादा ही महंगे प्लांट लगा चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा आप उन प्लांट को अपने घर में लगा तो चुके हैं, देखिए उनका कुछ फ़ायदा ही नहीं उठा पाए, और देखिए आपके प्लांट कई बार आप लेकर आ जाते चल भी नहीं पाते हैं, आप मेरे कहे से देखिए इस खूबसूरत ड्रेसिना को जरूर लेकर फूल की तरह देखिए इससे फ़ायदे उठ ले और बहुत ही ज़्यादा एक फूल की तरह बनने वाला प्लांट है। ड्रेसिना को देखिए यदि मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ और आपको ये भी बता रहा हूँ कि ये प्लांट देखिए कटिंग के द्वारा बनने वाला प्लांट है, तो आप इसे अनगिनत कटिंग के द्वारा ज़रूर बनाएं। देखिए मेरे ये ड्रेसिना के प्लांट छः प्लांट है और मैं देखिए इन्हीं से 12 प्लांट बना लूँगा इस साल, तो देखिए मैं इन प्लांट से 12 प्लांट बना लूँगा और अगली बार और देखिए 6 प्लांट और बना लूँगा, तो देखिए मेरे पास तो बहुत ज़्यादा ही प्लांट हो जाएंगे। और मेरे देखिए 180 रुपये वाले प्लांट है, 180 रुपये वाले प्लांट मेरे लिए कितने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे, देखिए आप देख ही सकते हैं, आप बता भी सकते हैं। देखिए आप मुझे यदि ये प्लांट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरती में देख पा रहे हैं तो कमेंट कर बताएं, और आप ये भी बताएं कि देखिए यदि आपके पास ड्रेसिना के प्लांट नहीं हैं तो आप देखिए ड्रेसिना के प्लांट किस तरह और कैसे लेकर आए। मैं तो आपको देखिए यही कहूँगा कि आप ड्रेसिना के प्लांट छोटी हाइट के ही लेकर आए, कई बार देखिए ड्रेसिना के प्लांट आपको बड़े पोट में भी लगे हुए मिल जाएंगे पर उनका देखिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा ही महंगा होगा। देखिए आप यदि इन प्लांट को लेकर आ जाते हो तो आपको सस्ते प्लांट भी मिल रहे हैं और अच्छे प्लांट मिल रहे हैं। यदि आप देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा प्लांट लेकर आते हैं, आपके घर में स्पेस भी नहीं है, तो आप देखिए उस प्लांट को कहाँ पर रख पाएंगे। देखिए ये प्लांट कुछ ऐसे प्लांट है, यदि आपके घर में थोड़ी बहुत ही जगह कम है, देखिए जगह के अनुसार आज के समय में देखिए जगह बहुत ही कम होगी, घरों के अंदर स्पेस कम होगा, तो आप ऐसे ऐसे प्लांट बहुत आसानी से छोटे छोटे पोट में लगा लीजिए। और देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए यदि मेरे पास बड़े पोट भी नहीं होंगे, पर देखिए एक बार तो मैंने यही सोचा था कि मैं इन प्लांट को बड़े पोट में लगाऊंगा, पर देखिए मुझे अब कुछ अपना
कुछ अलग से समय निकाल कर देखिए निर्णय बदलना होगा, क्योंकि देखिए मुझे अपने ये प्लांट छोटे छोटे पोट में ही लगाने होंगे। यदि देखिए मैं इन प्लांट को छोटे छोटे पोट में लगाऊंगा तो बहुत आसानी से कुछ छोटी जगह में ही रख पाऊंगा और बहुत ही थोड़ी जगह में ये प्लांट लग जाएंगे और चल जाएंगे। देखिए यदि मैं इन प्लांट को, यदि मेरे पास देखिए ये 6 प्लांट है, एक पॉलिथीन बैग में आप देख सकते हैं 3, इसमें भी 3, तो देखिए मुझे कम से कम इनके लिए बहुत बड़े बड़े पोट लेने होंगे यदि मैं बड़े पोट में लगा पाऊंगा तो। देखिए पर देखिए मुझे ये प्लांट छोटे पोट में ही लगाने होंगे और 20-20 रुपए के पोट लाने होंगे। बहुत ही आसानी से मैंने प्लास्टिक के छोटे छोटे 20-20 रुपए वाले पोट में लगा लूँगा। और देखिए खाद मिट्टी भी बहुत ही कम यूज़ करूँगा। पर देखिए यदि आप इन प्लांट को कुछ अच्छी से अच्छी वर्मी कंपोस्ट में लगाएंगे तो बहुत आसानी से प्लांट चल जाएंगे। देखिए कई बार ड्रेसिना को हम लगा लेते हैं, इनकी पत्तियाँ धीरे धीरे पीली पड़नी स्टार्ट हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा पत्तियाँ पीली पड़ जाएगी, सड़ जाएगी। देखिए आप इनकी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ और ज़्यादा ग्रीन और ज़्यादा येलो कैसे देख सकते हैं। आप इनमें पानी की मात्रा कम से कम रखें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप इनमें देखिए पानी की मात्रा बढ़ाएंगे उतने ही ये प्लांट धीरे धीरे गलना सड़ना मरना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए ड्रेसिना को आप ज़्यादा से ज़्यादा जरूर लगाएं। देखिए मेरे इन प्लांट में आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पत्तियाँ भरी हैं, गिनत पत्तियाँ, गिन भी नहीं पाएंगे, मैं भी गिन नहीं पाऊंगा। देखिए मेरे लिए तो मेरे ये 180 रुपये वाले प्लांट बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगे। और देखिए मैं आपको कई बार प्लांट शेयर करता हूँ, ये भी बताता हूँ कि आप कभी भी कोई भी प्लांट लेकर आते हैं आप उसकी खूबसूरती को ना देखें, सुंदरता को ना देखें, आप उसके फ़ायदे देखें। आपके लिए और आपके घर के लिए ये प्लांट कितना फ़ायदेमंद साबित होगा, आपसे ये प्लांट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए आप कभी भी अपने प्लांट से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि हम देखिए इस प्लांट से बहुत ज़्यादा हमें उम्मीद है, हम इन प्लांट को अपने घर में लगाएंगे और इन प्लांट से बहुत ज़्यादा खूबसूरती लेंगे, तो देखिए इन प्लांट को आँख मीच कर लगा लीजिए। और देखिए यदि आप इन प्लांट को लेकर भी आ जाते हैं, ड्रेसिना देखिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होंगे। ड्रेसिना कटिंग के द्वारा अनगिनत बनने वाले प्लांट होते हैं। देखिए जितना मुझे इस प्लांट के बारे में पता था मैंने आपको बताया, थोड़ी बहुत ही जानकारी दी। देखिए मुझे जितना इस प्लांट के बारे में पता ही था मैंने आपको बता ही दिया। और देखिए आगे अब आपकी मर्जी है, आप ये प्लांट लेकर आए ना लाए, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप देखिए जल्दी से जल्दी समय निकाल कर, यदि आपके पास समय है, आपको लग रहा है कि आपको ड्रेसिना के प्लांट अपने घर में लगाने हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरती देनी और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है। देखिए आप यदि चाहे तो ड्रेसिना के अलग अलग मिक्स मल्टीमेड पत्तों वाले प्लांट भी लेकर आ सकते हैं। देखिए यदि मेरे पास देखिए दिख रहे हैं, देखिए ये थोड़ा येलो पत्ती है और ग्रीन पत्ती है, तो अब देखिए और भी अलग ड्रेसिना के अलग अलग पत्ती वाले प्लांट होते हैं, इनके कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। देखिए जैसा आप प्राइस देंगे नर्सरी वाले को वैसा ही आप ड्रेसिना का प्लांट नर्सरी से लेकर आ सकते हैं। देखिए नर्सरी वाला आपको बहुत आसानी से अलग अलग ड्रेसिना के प्लांट जरूर दिखाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि उसका प्राइस कितना है, इसका प्राइस कितना है। देखिए आप आँख मिच कर इन प्लांट को जरूर लेकर आए। और देखिए ड्रेसिना को यदि मैंने आप सभी के सामने शेयर किया, ये भी बताया कि ये प्लांट बहुत ही परमानेंट प्लांट है, हार्डिंग प्लांट है, और देखिए इन प्लांट की पत्तियां मैं आपको बता चुका हूँ कि प्लास्टिक की तरह ज़्यादातर ही देख पाएंगे, मैं तो देखिए यही कहूँगा कि आप इस खूबसूरत ड्रेसिना को जरूर लेकर आए। देखिए ड्रेसिना की पत्तियां यदि प्लास्टिक की तरह दिखाई दे रही है तो देखिए आप सोच लीजिए कि हमने अपने घर में कुछ आर्टिफिशियल प्लांट लगाए हुए हैं। देखिए कई बार तो आप यदि इस प्लांट को फेस टू फेस देखेंगे, मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप देखकर अचंबा तो जरूर हो जाएंगे, अचंभित हो ही जाएंगे कि देखिए इसकी पत्तियां तो कुछ प्लास्टिक की तरह दिखाई दे रही है, आर्टिफिशियल पत्तियां दिखाई दे रही है। देखिए मैं भी इन पत्तियों को छू रहा हूँ और ये महसूस कर रहा हूँ, देखिए बहुत ही ज़्यादा चमकदार पत्तियां है, बहुत ही ज़्यादा शाइनिंगदार पत्ती है। देखिए थोड़ा मैं आपको पास दिखाने जा रहा हूँ, देखिए बहुत ही ज़्यादा चमकदार पत्ती वाला प्लांट है। आप इस खूबसूरत ड्रेसिनों को जरूर लेकर आए। यदि देखिए कुछ हमारे परमानेंट प्लांट होते हैं, एक देखिए आर्टिफिशियल की तरह दिखने वाले प्लांट होते हैं, नकली प्लांट की तरह दिखने वाले होते हैं, तो आप देखिए इन प्लांट को मैं तो यही कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा ही लगाए और अच्छे से अच्छे में लगाए और अच्छे अच्छे से अपने घर को सजाए। आप इस खूबसूरत ड्रेसिनों को ज्यादा से ज्यादा जरूर लेकर और ज्यादा से ज्यादा कटिंग के द्वारा बनाएं।